हेलो डियर साथियों, स्टूडेंट हेल्प में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो डियर साथियों, बात करने वाले एसएससी जीडी 2019 के बारे में। जी साथियों, जैसे आप सभी लोग पता है कि आपका एसएससी जीडी 2019 का मेडिकल कल साथियों समाप्त हो गए हैं। तो साथियों, आज बात करेंगे मेडिकल में कितने विद्यार्थियों को पास किया गया है, फाइनल कट ऑफ जो आपकी बनने वाली साथियों वो कितने नंबर की फाइनल कट ऑफ आपकी बनने वाली है, और री मेडिकल कितने बच्चों को दिया गया है। ठीक है, कितने बच्चों को, कितने प्रतिशत बच्चों को साथियों री मेडिकल दिया गया है। तो साथियों, इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हालांकि साथियों, ये वीडियो कल ही आ जाते, क्योंकि साथियों कल पूरा डाटा निकालने में, पूरा जो एनालिसिस मैंने किया था उसी में पूरा टाइम चला गया था। इसीलिए साथियों पूरा एकदम सही और सटीक एनालिसिस आज निकल के आया है। तो आज ये वीडियो साथियों आप सभी लोगों तक मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखना, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना एसएससी जीडी की पल पल अपडेट पाने के लिए। तो साथियों, आप देखेंगे कि एसएससी जीडी मेडिकल 2020, ठीक है, मेडिकल में बुलाए गए कैंडिडेट, ठीक है, मेडिकल में मतलब कितने कैंडिडेट टोटल बुलाए गए थे। तो जो बॉयज़ कैंडिडेट साथियों वो 1,30,125 कैंडिडेटों को मतलब बुलाया गया था मेडिकल में, और गर्ल्स से मतलब लड़कियों को 20,425 लड़कियों को मेडिकल में साथियों बुलाया गया था। उसके बाद साथियों देखते हैं कि मेडिकल टोटल कैंडिडेट फॉर मेडिकल मतलब कि टोटल कैंडिडेट को 1,50,448 कैंडिडेट को मतलब मेडिकल में बुलाया गया था, जिसमें साथियों लगभग 9 से 11% मतलब कि ऐसे कैंडिडेट थे जो अनुपस्थित थे, जो अब मेडिकल में नहीं पहुंच पाए थे, मेडिकल नहीं करवा पाए थे। ठीक है, तो इतने प्रतिशत बच्चे, 9 से 11% बच्चे मेडिकल में नहीं पहुँच पाए थे। उसके बाद साथियों बात करेंगे कि यहाँ पे साथियों उसके बाद बात करेंगे कि मेडिकल पास स्टूडेंट 60% है, जितने भी कैंडिडेट साथियों मेडिकल पास किए हैं, फाइनली मेडिकल पास कर लिए वो 60% है। 60% का अगर आप निकालेंगे तो टोटल 81,296 कैंडिडेट मेडिकल पास करके आए हैं। ठीक है, तो री मेडिकल 30% बच्चों को दिया गया। ठीक है, री मेडिकल कितने प्रतिशत बच्चों को दिया गया, 30% बच्चों को। तो अगर साथियों इसको आप टोटल वैकेंसी से आधार रख के निकालेंगे तो 30% का 40,648 कैंडिडेट साथियों ऐसे हैं जिनको री मेडिकल दिया गया। तो यहाँ पे साथियों आप सही से देख लेना, 40,648 कैंडिडेट को री मेडिकल दिया गया था। ठीक है, तो अब साथियों बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में। तो अब साथियों आप जानेंगे कि 60+25 ये हो जाएगा मतलब कि 85% स्टूडेंट, ठीक है, अनुपस्थित थे। ठीक है, तो जो टोटल बनेगा साथियों आपका 1,25,169 कैंडिडेट। ठीक है, तो इतने कैंडिडेट साथियों मेडिकल जो है पास मेडिकल दिए हैं। ठीक है, 1,25,169 कैंडिडेट मेडिकल दिए हैं टोटल। ठीक है, तो उसके बाद टोटल वैकेंसी जो आपकी साथियों थी वो 60,210 आपके जो वैकेंसी टोटल पद आए थे वो 60,210 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें साथियों आपकी वैकेंसी बाद में बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो उसके बाद साथियों बात करेंगे कि जो है एसएससीडी मेडिकल 2020, 1,15,169 कैंडिडेट टोटल साथियों यहाँ पे मेडिकल मतलब कि फिट है। उसके बाद 60,210 वैकेंसी साथियों आपकी हैं, जिसमें से अगर आप इसको भाग करेंगे उसके बाद रेशियो जो बन के साथियों आएगा 1.91 आपका रेशियो बन के आएगा, मतलब कि यहाँ पे साथियों मान के चलता हूँ कि एक सीट पे दो कैंडिडेट की लड़ाई, ठीक है, यहाँ पे एक सीट पे दो कैंडिडेट की साथियों लड़ाई होने वाली। ठीक है, मतलब कि एक सीट के लिए दो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। ठीक है, तो अब साथियों बात करता हूँ फाइनल कट ऑफ की। तो साथियों ये अगर कोई चीज़ नहीं समझ पाया पूरा तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता देना, जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं सभी लोग कमेंट करके बता देना, जिनको री मेडिकल मिला है वो भी कमेंट करके बता देना। तो अगर एक नई और फ्रेश वीडियो बना दूंगा ये साथियों, हालांकि एकदम से स्पेशल डाटा आप सभी लोग लेके आया हूँ जो एकदम सही है वो एकदम सटीक है, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा साथियों नहीं होने वाला। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। अब बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में साथियों, मोटा माटी निकालेंगे पूरा, अगर आप कट ऑफ का एनालिसिस निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे आप मैंने अभी आपको बताया था कि एक सीट पे दो कैंडिडेट की यहाँ पे लड़ाई होने वाली, ठीक है, एक सीट पे दो कैंडिडेट की लड़ाई होने वाली है। तो साथियों अगर आपकी कट ऑफ 0.5% भी बढ़ेगी तो कितने कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसका आप एनालिसिस अगर निकालेंगे तब आपको साथियों पता चलेगा, जो आप वीडियो देख रहे हैं सिर्फ मतलब देख रहे हैं कि हाँ ये इतना है साथियों, अगर आप पूरा एनालिसिस करके वैकेंसी रख के कितने कैंडिडेट पास हुए हैं मेडिकल में, कितने कैंडिडेट को री मेडिकल दिया गया है, तो साथियों उसका पूरा डाटा रख के निकालेंगे तो अगर 0.5% भी कट ऑफ बढ़ती है तो कितने कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। तो हालांकि साथियों अगर जो मतलब कि छोटे राज्य हैं जहाँ की कट ऑफ कम गई है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो नंबर अगर आपके हैं तो आपका
आपका एक दो नंबर से कम हो रहा है, तो आपका साथी यहाँ पे मतलब कि जो फाइनल कट आ पाएगी उसमें आने की संभावना है, ठीक है। तो ये रहा साथियों पूरा कट ऑफ का चक्कर। तो यहाँ पे साथियों मैंने पूरा एनालिसिस करके आप बता दिया, अब मुझे आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो लाइक और वीडियो शेयर और अपने साथियों तक तो शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया साथियों वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना SSC GD की पल पल अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।